दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्यूअल पावर सप्लाई के बारे में, यानी इसकी जो आउटपुट होगी वो बी माइनस और वी प्लस की आउटपुट होगी। तो इस एसएमपीएस को किस प्रकार से बनाते हैं, इसमें करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं, आज की वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे। पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं। एसएमपीएस को चालू करने से पहले यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का ये बोर्ड है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और ये फिल्टर कैपेसिटर है। इसकी डीसी आउटपुट आएगी वो यहाँ पर आएगी और एसी इनपुट की सप्लाई यहाँ पर देंगे। और इस एसएमपीएस को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड है, इसको भी अलग से वीसीसी सप्लाई देनी होगी, वो मैं इस एडोप्टर से इसको सप्लाई दे रहा हूँ। और इसको अलग से ही सप्लाई इसलिए दी है क्योंकि ये यहाँ पर वीसीसी सप्लाई इससे लेते हैं तो ये एसएमपीएस डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही वीसीसी सप्लाई दी है। अब मैं एसी को ऑन करता हूँ, यहाँ पर एसी वोल्टेज का इंडिकेशन आ गया है। ये एसएमपीएस तभी काम करेगी जब इसको वीसीसी सप्लाई के साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ दिया है और ये लैम्प जलने लग गया है। ये लैम्प जल रहा है, ये प्लस और माइनस की सप्लाई पर ही लगा रखा है इस लैम्प को। इसके आउटपुट के वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर V- की जो आउटपुट आ रही है वो 52.3 वोल्टेज आ रहे हैं और V+ की सप्लाई आ रही है वो 52 वोल्टेज आ रहे हैं। प्लस और माइनस पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 104 वोल्टेज आ रहे हैं, जो इस लैंप पर सप्लाई दे रखा है वो 104 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसमें लोड और लगाते हैं थोड़ा और फिर टेस्ट करते हैं। इसको पहले V- की तरफ लगा देता हूं मैं। इक्यावन पॉइंट चार वोल्टेज आ रहे हैं V- की तरफ और V+ की तरफ 51.4 वोल्टेज, यानी दोनों पर लगभग वोल्टेज सही आ रहे हैं। अब इस लोड को V+ की तरफ लगाते हैं, अब वोल्टेज को और टेस्ट करते हैं। V- की तरफ 51.7 वोल्टेज है और V+ पर 51 वोल्टेज है। और इस SMPS में करंट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आगे मैं सर्किट डायग्राम में बताऊंगा। करंट को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, और इसको शॉर्ट सर्किट भी करके देख सकते हैं ऐसे, कोई ख़राबी नहीं होगी इसमें। अब इसमें जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको भी टेस्ट करते हैं, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। इसमें लगभग 30.8 किलो हर्ट्ज़ के लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इस एसएमपीएस में आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज कितने पहुंचते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। पहले इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो एसी वोल्टेज इनपुट सप्लाई देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आउटपुट वोल्टेज आएगा। पहले एसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहा है 237 वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसका डीसी वोल्टेज आ रहा है 325 वोल्टेज और आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा है उसको टेस्ट करते हैं प्लस की तरफ, तो 58 वोल्टेज आ रहा है। और V- की तरफ भी 57.8 वोल्टेज आ रहा है और प्लस और माइनस पर टेस्ट करते हैं तो 115 वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों इस SMPS का ये सर्किट डायग्राम है। एसी वोल्टेज की सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल की, वो यहाँ पर देंगे। ये लगभग 250 वोल्टेज तक मैक्सिमम इसमें सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है CBU 810, इसके जगह पर आप 5408 की चार डायोड लगा करके उससे भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, सही काम करेगा इस SMPS में। और यहाँ पर ये 220 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा रखा है, इसके जगह पर आप 150 माइक्रोफेरेड 400 वोल्टेज तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम ये रेजिस्टेंस करती है 220 किलो ओम की, ये 330 किलो ओम भी लगा सकते हैं। और इस SMPS में ये स्विचिंग के जो दो ट्रांजिस्टर लगाए हैं मैंने, इसमें ST1309 और MD1802 के ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं, तो इस SMPS से जो मैक्सिमम पावर लेंगे वो लगभग 100 से 120 वाट तक की ले सकते हैं। अगर इससे पावर ज़्यादा लेनी है, दुगनी लेनी है,
तो ये MJE 13009 के ये बड़ी साइज ट्रांजिस्टर आते हैं, ये भी लगा सकते हैं, या D209 ये ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। इससे लगभग 200 वाट तक की पावर ले सकते हैं इन ट्रांजिस्टरों को लगाने के बाद में। और आगे देखते हैं, यहाँ पर इसका ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, जो आउटपुट में वोल्टेज देता है वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें 25 नंबर वायर के 3 वायर पैरेलल में लगा करके 41 टर्न लगाए हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी सेंटर टाइप वाइंडिंग है, इसकी दोनों वाइंडिंग पर 15-15 टर्न है, 15 टर्न इस वाइंडिंग पर है और 15 टर्न इस वाइंडिंग पर है। इसका जो वायर साइज है वो 23 नंबर के 2 वायर है पैरेलल में, और इस कोर का जो साइज है वो ETD39 है। और यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर को स्विच करने का काम ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही करेगा। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी जगह पर आप इस टाइप का भी ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, सही काम करेगा इसमें। और आगे देखते हैं, इस SMPS में ये डायोड लगा रखी है MBR 2000, ये पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है और नेगेटिव वोल्टेज के लिए ये 2 डायोड लगाई है। और इस SMPS में आउटपुट वोल्टेज सेट करने के लिए कोई भी फीडबैक नहीं लिया है, जितनी इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगी, वो इसलिए नहीं दिया है। जैसे V- का अगर फीडबैक लेते हैं इस SMPS में वोल्टेज सेट करने के लिए, यहाँ पर ये वोल्टेज तो सेट सही हो जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज इसका गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस वोल्टेज को फीडबैक में लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा इसका। दोनों चैनल का फीडबैक देने के लिए इस IC में अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसमें एक ही चैनल का फीडबैक दे सकते हैं। अगर दोनों चैनल का फीडबैक देते हैं तो उसके लिए फिर कभी वीडियो के अंदर देखेंगे इसको। और इस SMPS में करंट कंट्रोल करने के लिए आउटपुट में मैंने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाई है यहाँ पर, वो इसलिए नहीं लगाई, जैसे यहाँ पर माइनस में अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं संट रेजिस्टेंस करंट को सेंस करने के लिए, इस चैनल और इस चैनल में अगर लोड देते हैं तो ये रेजिस्टेंस करंट को सेंस नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं करंट सेंस करने के लिए, इस चैनल और इस चैनल में अगर लोड देते हैं तो ये सेंस नहीं कर पाएगी, तीनों में किसी में भी पॉसिबल नहीं है संट रेजिस्टेंस लगाना V- और V+ की सप्लाई में। इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है इसके ऊपर करंट सेंस करने के लिए ये ट्रांसफार्मर लगाया है। ये जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है ये सेंटर टाइप वाइंडिंग है और ये गोल ट्रांसफार्मर है यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें एक ही वायर है जो SMPS का लोड जाता है SMPS की प्राइमरी पे, वो इस वायर में से होके जाता है। और यहाँ पर ये सेंटर टाइप वाइंडिंग है, इसकी प्रत्येक वाइंडिंग में 35 टर्न लगाए हैं, ये 32 नंबर वायर के लगाए हैं, इसकी जगह पर 35 नंबर भी लगा सकते हैं या 34 नंबर वायर भी लगा सकते हैं। और बीच में ये 10 ओम की माइनस के साथ में ये रेजिस्टेंस जरूर लगाएंगे, ये संट रेजिस्टेंस, यही इसको करंट को सेंस कर पाएगी सही। और यहाँ पर जो ड्रॉप वोल्टेज आएगा वो सीधा पिन नंबर 16 पर जाएगा ये ड्रॉप वोल्टेज, और पिन नंबर 15 पर जो मिली वोल्टेज सेट किया है अगर उस मिली वोल्टेज से ज़्यादा अगर पिन नंबर 16 पर आता है तो ये अपने ड्यूटी साइकिल को कम करेगी और आउटपुट में जो करंट है उसको कंट्रोल रखेगी। पिन नंबर 15 पर जो मिली वोल्टेज सेट करेंगे, यहाँ पर ये 10 किलो ओम का प्रीसेट है, इससे ये मिली वोल्टेज सेट करेंगे। जैसे जैसे मिली वोल्टेज को कम करेंगे तो आउटपुट में करंट कम होगा, मिली वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आउटपुट में करंट बढ़ेगा। पिन नंबर 1 इसकी वोल्टेज फीडबैक पिन है, इसको मैंने ग्राउंड ही कर रखा है। और पिन नंबर 2 पर +5 वोल्टेज की सप्लाई दी है, इसी 5 वोल्टेज से पिन नंबर 4 पर एक कैपेसिटर लगा रखा है, ये इस SMPS को सॉफ्ट स्टार्ट कराएगा। यहाँ पर ये 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। पिन नंबर 5 पर ये फ्रीक्वेंसी के लिए ये कैपेसिटर है। पिन नंबर 6 पर ये रेजिस्टेंस है, ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए है। इसकी जगह पर आप इस टाइप का मल्टी टर्न का ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए 100 किलो ओम का प्रीसेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर ऐसा। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर MOSFET IGBT से कैसे SMPS बनाते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।